इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे जो आज के दिन का आखिरी मैच होगा QUT वर्सेस DAT टीम के बीच इसके बारे में। सो गाइस देखो ये पूरा टूर्नामेंट काफी अच्छा है स्मॉल लीग के यूजर्स के लिए भी और जो ग्रैंड लीग खेलते हैं उनके लिए भी। अभी जो एक लाइव मैच चल रहा है आप देखिए स्क्रीन पे 6 रैंक ठीक है 4 रैंक 3 रैंक तो बहुत मतलब अभी जो मैं आपको टीम दी थी टेलीग्राम चैनल पे सेम टीम्स के साथ मैं गया हूँ। इवन देखो जैसे ही गजनफर इकबाल 30 से 40 रन की इनिंग खेल जाता है तो ये ग्रैंड लीग में जितनी भी पोजीशन है सब डायरेक्टली रैंक 1 पे पहुंच जाएगी और वही टीम है जो टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको शेयर की थी। और अब बात आती है इस मैच की तो आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे 7-4 का कॉम्बिनेशन बना रखा है जिसमें 7 प्लेयर QUT के और DAT के 4 प्लेयर ले रखे हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूँ ये जो मैच है ना ये मैच इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से चाहे आप लोग स्मॉल लीग के यूजर हो चाहे आप लोग ग्रैंड लीग के यूजर हो ये मैच आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट रह सकता है। बट आपको ध्यान रखना है कि गेम की सिचुएशन कैसी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्योंकि मैच अच्छा है इन्वेस्टमेंट के पर्पस से लेकिन जब गेम की सिचुएशन इन्वेस्टमेंट के लायक होगी तब इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर गेम घूमा तो कोई मतलब नहीं बनता इन्वेस्टमेंट करने का। अब टीम दिखाने से पहले मैं आपको मैच का पहले पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा पूरी चीज़ें बताऊंगा कि हाँ किस बेसिस पे आपको कैसी टीम रेडी करनी है और कौन प्लेयर आपके लिए इस मैच में क्रूशल या ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बट उससे पहले दोस्तों जो यूजर्स पहली बार इस चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर ले चैनल को और वीडियो लाइक्स में बहुत कमी मुझे लगी। इवन आप देखोगे लाइक इतने कम और रियलिटी भाई बहुत कम लाइक किया आपने उम्मीद बहुत थी बट उतना ज़्यादा आपने सपोर्ट नहीं दिया। चलो बढ़िया है देखो आपने लाइक्स में कमी रखी रिजल्ट ने आपके ऊपर कमी रखी यानी कि हमारा जो ये लास्ट मैच था उतना खास नहीं गया था तो उम्मीद रखूंगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ लाइक के बेसिस पे आपको टीम मिलती है ये तो एक मोटिवेशन के बेसिस पे होता है कि भाई लाइक्स से छोड़ो यार हटा दे टंटाई ठीक है। डायरेक्टली बात करें हम टेलीग्राम चैनल की तो ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा यहां पर ज्वाइन होना बहुत जरूरी है। उसका सीधा सा रीजन है क्योंकि मैच मैंने आपको क्या बोला गेम की सिचुएशन के बेसिस पे चलेगा जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। तो अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो भाई कर लेना बाकी आपकी मर्जी है। स्टार्ट करते हैं यहां से जो मेन मेन पॉइंट है उनको लेके तो गाइस देखो सुपर फोर के मैचेस है ये सेकंड मैच होगा ठीक है। सुपर फोर का मतलब है कि 4 टीमें क्वालिफाई करेगी और उसका ये सेकंड मैच होगा ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से वेन्यू की बात करते हैं तो वेन्यू की बात आप यहाँ से समझो यहाँ से आपको ये समझ में आएगा 63 मैचेस में बैटिंग फर्स्ट ने 23 मैच जीते बॉलिंग फर्स्ट ने 40 मैच जीते यानी कि जो टीम टॉस जीत के बॉलिंग करेगी वो इस मैच को आसानी से विन कर सकती है। अब इन्वेस्टमेंट करने से पहले जैसे ही QUT की टीम बॉलिंग करें इसका साइन है कि ये जो मैच होगा इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अच्छा हो जाएगा ठीक है। क्यों हो जाएगा उसका रीजन बताता हूँ कि देखो आप जब टीम बनाओगे ना तो आप क्या करोगे इसको लोगे ऑब्वियसली लेना भी है इसको लोगे ठीक है एंड इसको मोस्टली ले सकते हो ये खेलेगा तो ये भी ठीक है। मैं क्या करूँगा देखो आपको पता है अपनी तो आदत है रिस्क लेने की। कल मैंने आपको संदीप गौड़ के बारे में बताया था सिलेक्शन केवल 6% बंदा 88 पॉइंट देके गया और ये इतने पॉइंट बहुत होते हैं एक स्मॉल लीग को विन करवाने के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा जब ये QUT बॉलिंग करेगी ना तो मैं बॉलिंग सेक्शन में डायरेक्टली इनको लूँगा। देखो एस खान फिक्स है बैटिंग बॉलिंग दोनों ठीक है। मुनीन संसारी बहुत अच्छी बॉलिंग की और लास्ट मैच में देखा डेथ में भी बॉलिंग किया। उसके अलावा चंद्रशेखर जो हमारा वाइस कप्तान रहेगा इस मैच में लेकिन कंडीशन क्या होगी QUT की पहले बॉलिंग ठीक है। और उसके अलावा आप देखोगे चौथा ये तो मतलब अपन का जो बॉलिंग सेक्शन हो जाएगा ना वो इस चारों बॉलर हो जाएंगे। रिस्क तो अपनी आदत है आपको बताएं कि खून में ही रिस्क भरा पड़ा है तो वो तो अपन लेंगे लेंगे ठीक है। 4 प्लेयर ये रहा ये चारों बॉलिंग सेक्शन से प्लेयर हो जाएंगे ठीक है। और अब बात आती है ऑलराउंडर सेक्शन की तो वो कैसे लेने वो भी बताता हूँ। चलिए सबसे पहले रीसेंट फॉर्म की बात आती है QUT 5 में से 3 विन की है 2 हारी है DAT 5 में से 3 विन की है 2 हारी यानी कि टीम दोनों की दोनों तगड़ी है। बस गेम पूरा डिपेंड होगा टॉस के ऊपर जो टीम टॉस जीतेगी बॉलिंग करेगी विन करेगी। अब जैसे मैंने ये 4 प्लेयर लिए यहाँ से अगर गेम घूमता है ठीक है तो फिर मैं क्या करूँगा सिर्फ 2 ही प्लेयर लूँगा एक तो ये और एक ये इन दोनों को डायरेक्टली मैं ड्रॉप कर दूंगा। और उस केस में फिर क्या होगा फिर मुझे उबैदुल्ला को लेना पड़ेगा फैयाज भट्ट को जो कि सब लेके आएंगे उबैदुल्ला को और फिर उस केस में मेरा मन नहीं करेगा कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँ क्योंकि आपको पता है
जो टीम कॉमन टीम होती है उससे इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है, इसीलिए मैंने कहा है आपको कि ट्रे करना क्यूटी बॉल करे, बाकी देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोबेबल 11 की, खुर्रम नवाज और खवर अली ये दोनों प्लेयर ओपनिंग करेंगे, फर्स्ट डाउन आएंगे चामिन। अब एक चीज ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द यूजर्स की जो टीम होगी ना उसमें खवर अली जरूर होगा, ये वाला बंदा। अब मैं ये बता दूं, आप यहां पर आइए बैटिंग देखिए इस बंदे की, ठीक है? मतलब प्लेयर अच्छा है, प्लेयर क्वालिटी वाला है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक फॉर्म होती है और मैं लाइव मैच देखता हूँ तो वो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो एक तो कॉल वगैरह मत करना, अगर मैंने नंबर हाइड कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो कोई मतलब नहीं बनता है आपको कॉल करने का, क्योंकि नंबर आप लोगे वो मिलेंगे नहीं आपको, सामने वाले को परेशान करोगे तो अच्छी बात है नहीं, ठीक है? सबसे पहले मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि इन्होंने रन देखिए 14 रन, दूसरा रन देखिए 10 रन, तीसरा 8 रन, 2 0 रन, 2 रन, 6 रन, 24, यानी कि हमें ये परफेक्ट पता लग रहा है कि बॉलिंग बैटिंग में ये उतना कुछ खास कर नहीं रहा है। और यहां से जो बैट्समैन आएंगे ना वो रहेंगे एक तो कश्यप प्रजापति, जतिंदर सिंह, और ये स्पिनर है, और दोनों के दोनों जो सुताई मचाएंगे खबर अली की तो देखने वाली बात होगी। तो यहां से अपन क्या करेंगे, खावर अली को ड्रॉप कर देंगे। अब ये बंदा ओपनर भी है, ये चार ओवर बॉलिंग भी करवाता है, लेकिन भाई यहां से हम बॉलिंग में सारे प्लेयर भी तो ले रहे हैं ना, चार ओवर बॉलर ले रहे हैं, इवन यहां से हमने दोनों बैट्समैनों को भी लिया है, तो गेम की सिचुएशन चेंज हो जाती है, इसीलिए डरना बिल्कुल भी नहीं है। खावर अली को डायरेक्टली हम ड्रॉप करेंगे, मोस्ट ऑफ द यूजर्स लेके आएंगे लेकिन अपन नहीं लेंगे, ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहां से चामिंडा लकमल है, और हाँ गेम जैसे ही चेंज हुआ, अभी तो मैं कह रहा हूं खावर अली नहीं लेंगे, लेकिन क्यूयूटी अगर बैटिंग करती है तो फिर मैं ड्रॉप करने का सवाल ही नहीं उठता है कि इसको मैं ड्रॉप करूं, क्योंकि फिर गेम चेंज हो रहा है ना भाई। मैंने आपको कहा है कि इन्वेस्टमेंट डिपेंड होगा टॉस के ऊपर, ठीक है? तो इसीलिए मैं एक बार फिर कहूंगा, टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हो तो कर लेना है ज्वाइन, ठीक है? फिर रविंद्र करुणा रत्न है, उसके बाद यहां से सचिन जांगरा है, एन ढांबा है, उबैदुल्ला है, इमरान मोहम्मद, सुल्तान अहमद, फैयाज भट्ट और याग्निक पांड्या। ओपन डेथ में देखोगे जागरा और फैयाज भट्ट, डेथ में जागरा और उबैदुल्ला। अब इनका जो बेहतरीन बॉलर है ना वो यही है भट्टी, इसी से थोड़ा सा डर लगेगा। मतलब क्या हो ना, देखो मैं बता देता हूँ आपको, मैं इन चार के साथ जाऊँगा, जैसा कि मैंने आपको बताया तीन तो ये हो गए, चौथा कहाँ गया, ये रामोनी संसारी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि एस गोड़ की जगह पे, सुन लेना, जो रिस्क टेकर्स हैं वो ये एस गोड़ के पैलेस में जो है ना भट्ट के साथ भी, देखो गोड़ अच्छा प्लेयर है, मैं मना नहीं, कल भी बोला था मैंने आपको, लेकिन एक फील आ जाता है कि हाँ भाई आज ये चलेगा नहीं चलेगा। तो ये फैयाज भट्ट क्या है, रुइंड कर सकता है गेम को, क्योंकि डेथ में भी आता है ये और पावर प्ले में भी आता है, और जतिंदर सिंह का मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि ये बंदा जो है ना ये तेजी के साथ खेलता है और भट्ट इसको ले जा सकता है। तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर कंफ्यूज हूँ कि मुझे इसके साथ जाना चाहिए एस गोड के साथ जाना चाहिए, क्योंकि गोड लास्ट मैच में डेथ में बॉलिंग किया था और आता भी डेथ में और डेथ में विकेट भी मिलते हैं, लेकिन वही चीज़ ना एक फीलिंग होती है वो इसके साथ जा रही है, ठीक है? उसके बाद यहाँ से बेंच में कुछ प्लेयर्स स्क्रीन पे आए, और सेकंड टीम है जो आपके सामने, कश्यप प्रजापति, जितेंद्र सिंह ओपन, वन डाउन शोएब खान, फिर हशीर, सूरज, अयान, सिद्धार्थ, संदीप, गणेश, समय श्रीवास्तव, मुनीस अंसारी, ओपन डेथ, ये आपकी स्क्रीन के सामने है। अब आती है टीम की बात, तो मैं आपको डायरेक्टली टीम दिखा देता हूँ, बट उससे पहले ये शायद हमारा तीसरी बार है टेलीग्राम को आपको बोलना, अब नहीं बोलूँगा, करना चाहते हो तो कर लेना, ठीक है? टीम क्या है वो देख लो। सो गाइस देखो, विकेट कीपर में सुल्तान अहमद, ये मैं आपको माहेश्वर 11 की टीम दे रहा हूँ, यही टीम फैंटाफिट की भी है और यही टीम ड्रीम 11 की भी है। डाउनलोड लिंक दोनों एप्लीकेशंस का डिस्क्रिप्शन में, कोई चेंज होगा नहीं, सेम टीम है, ठीक है? कोई चेंज होता मैं आपको पहले ही कह देता। तो विकेट कीपर सुल्तान अहमद, बैटिंग सेक्शन में जतिंदर सिंह, कश्यप प्रजापति, खुर्रम खान और लकप्रिय रविंद्रा, ठीक है? ये दो देखो। ऑलराउंडर में आइए आप लोग, जिशान खान, सचिन कुमार जांगरा, बॉलिंग में शोएब खान, मुनीस अंसारी, संदीप गौर, चंद्रशेखर। अब इलेवंथ प्लेयर आप अपने बेसिस पे भी जा सकते हो, देखो ये भी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है? और यहाँ से खबर अली भी अच्छा ऑप्शन है, और फैयाज भट्ट भी, और भट्ट मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि इनकी बॉलिंग जो है ना क्यूयूटी की अच्छी तो है, लेकिन ये बंदा रुइंड कर सकता अकेला पूरी पार्टी को। तो ये अपन जो रिस्क टेकर्स है ना, जो जो डरते नहीं है भाई रिस्क लेने से, तो वो इसके साथ चले जाना, ठीक है? और जो सेफ जाना चाहते हैं तो फिर वो क्या करेंगे, तो फिर यार वो तो वही चीज़ हो गई, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा आपको। चलिए अपन यही ले लेते हैं, फैयाज भट्ट को ही ले लेते हैं अभी अभी के लिए, ठीक है? कैप्टन वाइस कैप्टन की बात आती है, तो चंद्रशेखर को आज मैं कैप्टन बनाऊंगा, क्योंकि लास्ट मैच में ये फ्लोप रहा, आज बहुत हाई चांस है ये 2 से 3 विकेट एक्सपेक्टेड, तो ये मेरा कैप्टन रहेगा। वीसी की बात आती है, तीन प्लेयर आपको बता रहा हूँ, पहला शोएब खान, दूसरा कश्यप प्रजापति, तीसरा अयान खान।
जो सही लगे उसके साथ चले जाना। अभी मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं जा रहा हूँ शोएब खान के साथ, तो मेरी ये टीम है, कोई चेंज होता है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।